तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम मोदी संसद में आज। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो पार्लियामेंट में गए हैं, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। वीडियो काफी लंबी, इसके दो पार्ट आएंगे। कॉल आउट करते हैं, थ्री टू वन वीडियो स्टार्ट। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण। और भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई, कभी कभी फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा, काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। जब स्पीकर बोलता है तो स्पीकर बोलता है, मोदी इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु लव्ड मी, ही ऑल दिस। I know, sir, with all sincerity in this country, this country today, democracy, somebody says democracy in danger, nothing. मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि बहुत से हम मित्रों के तरह मिलते रहते हैं, एक दूसरों से बात करते रहते हैं और यहाँ हम लड़ते रहते हैं, लेकिन बाहर जाके हम बहुत से लोग मिलते रहते हैं। उससे एक होता है कि आपका गुस्सा वहाँ नहीं रहता, लेकिन चंद लोग परमानेंट गुस्से में ही रहते हैं। कुछ हमारे साथी बोलते हैं, आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूं? कुछ लोग जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग आने के लिए जा रहे हो। दस्तूर है जमाने का ये पुराना लगा रहता है, या आना और जाना, रहो जहां अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना, हर कोई गुनगुनाता रहे आपका ही तराना। राज्यसभा से कुछ सदस्यों की विदाई का मौका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए क्या सिखा दिया? नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लव अफेयर कहते हुए क्या कहा था? नाराज पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने क्यों हाथ जोड़ लिए? सपा से राज्यसभा की सांसद जया बच्चन ने क्यों माफी मांगी? खड़गे जगदीप धनखड़ की किस अपील पर नाराज हो गए थे? आज ऐसे ही कई सवालों के जवाब लेकर हाजिर है आपका खास शो संसद में आज। मैं हूं हिमांशु, चलिए शो शुरू करते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सदन से जो सदस्य रिटायर हो रहे हैं उनकी विदाई को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्यों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर दो वर्ष के बाद इस सदन में इस प्रकार का प्रसंग आता है, लेकिन यह सदन निरंतरता का प्रतीक है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जिक्र किया था। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकसी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। और मैं
सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों ना हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है, अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। अपने मुद्दों को लेकर विपक्ष के नेताओं ने पिछले सत्रों में काले कपड़ों में प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के दौरान तंज भरे लहजे में कुछ बातें कही। सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके थे, ब्लैक पेपर जारी करने के बाद वह सदन पहुंचे थे। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और भी ऐसी कुछ घटना हुई, कभी कभी फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा, काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता, और मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एकाध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नज़र लग जाएगी, उसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर रख जाए, इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए, ये नजर न लग जाए, इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है। मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है, लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरूरी होता है, और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब एक काम करता है तो जरा अच्छा रहता है, तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब बारी नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे। उससे एक होता है कि आपका गुस्सा वहाँ नहीं रहता, लेकिन चंद लोग परमानेंट गुस्से में ही रहते हैं, ये बड़ा मुश्किल है, ये ऐसा नहीं रहे, ये डेमोक्रेटिक है। और हम यहाँ देवेगौड़ा जी होंगे, मैं तो बहुत लड़ता था उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ये जनता पार्टी नहीं छोड़ी, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ा, इसीलिए हमेशा हमारी टक्कर चलते ही रहती थी। कभी हमको बोला कि तुम्हारे हाथ से बड़ा मुश्किल है ये चलाना सरकार, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे कोई पैसे वाले नहीं है तुम्हारे पीछे, तो इसीलिए अलायंस करना मुश्किल होगा, ये पहली बार उन्होंने कहा। उनके जन्मदिन पर मैं पूछा तो उन्होंने बोले कि आप
आपके पीछे कोई ऐसे बड़े मालदार आदमी नहीं है तो मुश्किल होगा कि तुम्हारे दोस्त को मैं चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, आप जाके उनको बनाएं। अब मेरे को कोई मालदार नहीं मिला सपोर्ट करने वाले, बाद में उन्होंने उनको बनाया। उसी लिए ये बहुत सी बातें ऐसी होती सब ये हाँ अरे भाई बैठ जाओ, अरे ठीक है, लेकिन मेरे को रंज है। सारे जिंदगी उन्होंने सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, फार्मर्स एजुकेट सब करे, सडनली ऐसा क्या हुआ? लास्ट स्टेप 93 है उनके, 91 है, अच्छा ठीक है 100 साल तक रहने दो, 91 है, फिर अब सडनली जाके मोदी साहब उन्होंने ऐसा गले में मिले हैं और वो पकड़ कि आप नहीं थे, तो इतनी तारीफ आपकी उन्होंने की, मैं समझता हूँ जिंदगी में किसी आदमी की उन्होंने तारीफ की ही नहीं, रियली समझता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ वहाँ पर 20, 25, 30 साल था और यहाँ पर कभी किसके बारे में तारीफ करने की उनकी आदत ही नहीं है, लेकिन वो आदत बदली कैसी मेरे को बड़ा मुश्किल है। आई एम फीलिंग हाउ ही प्रेज्ड मोदी जी एंड ही सेड दैट मोदी इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु लव्ड मी, ही ऑल दिस। अगर यही लव अफेयर पहले होता तो अच्छा था, 91 इयर्स में क्या करेंगे। इसी बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि नेता सदन पीयूष गोयल कुछ कहना चाहते हैं, क्या मौका दे दें? खड़गे ने तुरंत आपत्ति जता दी। पीयूष जी आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं, आपकी इजाजत हो तो पीयूष जी कुछ कहना। नहीं साहब, नहीं नहीं, तो अगर समझ आ गई तो अच्छी। ये चुप, ये देखो आप उनको ऐसा ही देते हैं, बाकी के वक्त हमको नहीं देते। दिस इज नहीं, कल आई एम नॉट गिविंग फ्लोर टू हिम सर। नो नो, यू सी सर, आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए परमानेंट थिंग। यू रिमेम्बर, यू कांट आस्क व्हेन आई आस्क, आई वांट टू गेट क्लैरिफिकेशन, यू डिड नॉट अलाउ व्हेन मोदी जी वॉज स्पीकिंग। सी दिस इज नथिंग, इवन इफ आई इंटरफियर मोदी इज कैपेबल टू गिव आंसर, व्हाई यू आर डूइंग दिस? इन डेमोक्रेसी इट हैपेंस। मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन पूरा होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से चले गए। खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद एचडी देवगौड़ा का जिक्र किया था, वह इस बात से शायद आहत थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का। एचडी देवगौड़ा ने कहा, खड़गे वो व्यक्ति हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूं। आगे उन्होंने कहा, कांग्रेस आलाकमान उस वक्त कह रही थी कि हम कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि मैंने उनसे कहा कि मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री बने। सुनिए पूरा किस्सा। आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट एनीबॉडी, दोज पीपल हु आर गोइंग टू रिटायर फ्रॉम दिस हाउस टुडे, they are all senior leaders and ministers and senior members of this house. Some people may come back again, but only one thing I would like to make it clear to Mr. Kharge ji. Kharge, in fact, I was not prepared to come to this house. In Congress itself, they want to put up a second candidate to defeat me. At that time, Kharge has said, if Gowda is going to be defeated, I will withdraw. Mr. Kharge ji has made it very clear, I don't want to contest. In fact, he asked me to contest. And Congress wants to put up a second candidate to defeat me, his own friends. And Kharge told, if Devgowda is going to be defeated, I will withdraw. That is why I am grateful to him. Mr. Kharge ji, I am really tell you, do you want become the Prime Minister of this country? Will Congress tolerate? Please tell me, I know what Congress. I am not going to anything beyond this, I can't say. You are a person
who are clean, who worked for nearly 35 to 40 years. But what has happened? When somebody has referred your name to become the Prime Minister or to become the leader of the IIA, that has been countered by their own friends. I have not come here. Kharge is a man whom I like him. He should become the Chief Minister. When my son, the Congress High Command took a decision, Mr. Kumar Swamy should be the Chief Minister. When Congress High Command, I don't want to take the names of any top leaders, they came, Ghulam Nabi Azad, the member of this house, and Radhakant, ex-Chief Minister, came and requested me, sir, please allow me. I heard, please allow me. At that time, I told, I don't want my son to become the Chief Minister. Let Kharge become the Chief Minister. He is here. Let him tell. But High Command has still told that Kumar Swamy should become the Chief Minister. Sir, at that time, when I, please, at that time, what has happened? Kumar Swamy made the Chief Minister within 13 months. Who removed? Not Kharge. Who removed? Kumar Swamy. Not Kharge. It is only the Congress leaders. HD देवगौड़ा ने आगे कहा कि मनमोहन सिंह एक ईमानदार व्यक्ति हैं। एक बार जब कांग्रेस के दो शीर्ष नेताओं के फैसलों की वजह से मनमोहन सिंह रोने लगे, मैं उस दिन का गवाह हूं। मैं जानता हूं कि उस रोज क्या हुआ था। मैं बहुत सी बातें जानता हूं, लेकिन बोल नहीं सकता। मनमोहन सिंह इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन टू द कोर। ए डे व्हेन मनमोहन सिंह क्राइड, व्हेन मनमोहन सिंह क्राइड for the mistake committed by those top leaders in Congress, Manmohan Singh cried. I know that day what has happened. A man who cried, who ruled this country for 10 years, who gave some the country to save the from the debt trap, Manmohan Singh, who served the nation with all honesty, cried in a situation when 2G sector was discussed in the very same house in the Lok Sabha. I know so many things, I cannot go on. HD देवगौड़ा ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा कतई नहीं है, लोकतंत्र इस देश के लोगों के दिलों में है। HD देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की है। I know, sir, with all sincerity in this country. Sir, this country today, democracy, somebody says democracy in danger. Yes. Nothing. I would like to tell you only one thing. Democracy is in the heart of the people of this country. Doctor. Thank you, sir. I would like to tell you, Ambedkar, who has given this Bhagavad Gita, or what you call. Thank you, sir. Thank you. Ambedkar has given this constitution, which is in the blood of every Indian. Nobody can change the democracy to come to a dictatorship. Nobody. I would like to tell you, in the last leg of my life, I have not come for any personal benefit with BJP. I love deforested area. I told the love and affection shown by the present Prime Minister when I went to his chambers in the very same building. The love and affection he has shown, that is the only thing which I have got the benefit from this present Prime Minister. There is nothing. Yesterday I discussed some about the what is called Kadagola, whether it is going to done or not. I have done my duty. I am not going to ask anything personally for myself. When my son was removed by the Congress, that is the day
I told my son, go with BJP. That is the day I told this Congress cannot allow you to grow. I told Kumar Swamy. Thank you, former Prime Minister. दोपहर 12:24 का वक्त हो रहा था. जया बच्चन ने विदाई पर संबोधन दिया. जया बच्चन क्या कह रही थी सुनिए. मुझे नहीं लगता कि जो जिस तरह से हम लोग हाउस के अंदर एक दूसरे के ऊपर नाराज़ होते हैं, और मुझे हमेशा कुछ हमारे साथी बोलते हैं आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं. अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल लूं. जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है और गलत है उसमें मैं गुस्सा कर जाती हूँ. अगर मैंने बुरी तरह से गुस्सा किया, अगर पर्सनली किसी के ऊपर मैंने कोई बुरी बात कही, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और आप सबको, जितने भी लोग हैं इस हाउस में, जो प्रस्तुत हैं, जो बाहर हैं, जो रास्ते में हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. ईश्वर आपको लंबी उम्र दे. कुछ सदस्यों की विदाई को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी सदन को संबोधित किया. उन्होंने अरुण जेटली का एक किस्सा सुना. जी वीडियो स्टॉप कर दिए हैं, वीडियो कभी काफी रहती है, लेकिन इस वीडियो में हमें यही समय लगा कि भाई पीएम मोदी भी मनमोहन सिंह की तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह उनका कार्यकाल गुजरा है. और साफ जाहिर है भाई उनपे चलो इल्जाम लगे, उनको सारा कुछ बोलते हैं, लेकिन यह है कि भाई उनके जो दौर है उसमें तरक्की भी हुई है, नो डाउट तरक्की हुई. और ऐसा मैं कहता हूँ इंडिया में यही किसी ने नहीं है. जिस कगार पर इंडिया चला गया था उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो चलो वो खिदमत तो उनकी थी. हाँ बिल्कुल, खिदमत तो फैसले तो उनके ही थे ना. सही बात है. इसमें वही रहती हुकूमतों तक ना, क्योंकि भाई वो याद रखा जाए दौर था कि साफ जाहिर है कि भाई IMF के पास जाना पड़ा. हाँ। और आज इंडिया जो है वो दूसरे कंट्रियों को भी कर्दे देता है जी, और उस सूरत हाल से निकालना. हम कहते हैं हमने भी एक बुलाया था क्या नाम था डॉलर साहब, डॉलर उसको बुलाया था. और उसने भाई साहब ऐसा घुमाया कि 300 सारा कर दिया. वो डॉलर की वो कम करने करते करते वो कहता कि 150 तक कहता लेकर आओ. हां 150 तो 300 क्रॉस कर गया था भाई. तो हमारे पास ऐसे थे कमाल के फाइनेंस मिनिस्टर के, वो हमें अक्सर मीम का भी सामना करना पड़ता है कि पाकिस्तान बाद ऐसा कंट्री है कि जिसमें के खजाने में पैसा भी नहीं और खजाने के ऊपर मिनिस्टर भी रखा हुआ है. फ्रांस मिनिस्टर भी इधर तो ये भी है, कोई भी जितना पुराना तेरा सबका कोई भी मिनिस्टर बन गया ना, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, सदर बन गया, उसको इस तरह कभी इज्जत भी नहीं दी गई. जितने भी प्राइम मिनिस्टर गुजरे ना भाई इंडिया के, जितने भी गुजरे चाहे जिसकी भी हुकूमत रही है ना, सब भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. और जितने भी आए हैं इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कंट्री के लिए भाई साहब, ऐसा कोई बंदा नहीं, वो एक भी नहीं हो सकता कि जो कंट्री के खिलाफ, उसकी सोच में विचारधारा में फर्क हो सकता है, लेकिन कंट्री के सगे थे. बिल्कुल जी बिल्कुल. हमारे लीडरों को कंट्री तरक्की करता रहा है, इधर आया इधर से लूटा. और यकूब ने कितनी आसानी से कह दिया. अब मनमोहन सिंह के तो मैं कहता हूँ भाई ये आजू बाजू से भी नहीं गुजरे होंगे, लेकिन फूल तो इधर भी निछावर किए गए रिस्पेक्ट में. हेलीकॉप्टर से फूल नहीं गिराए गए. वो तो आप रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, वो रिस्पेक्ट में जिन्होंने करवाई है ना, वो तो कोई और की नहीं है. बात रिस्पेक्ट की कर रहा है. मैंने कहा ये बराबरी उनकी बिल्कुल नहीं कर सकते नवाज शरीफ. बनती थी उनके सबका प्राइम मिनिस्टर थे, बनती थी. मैंने कहा कि मेरे मुल्क में कभी भी असेंबली छोड़ के कहीं भी कभी किसी की इज्जत नहीं की. और मैं भाई मनमोहन सिंह का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि बात हिंदुस्तान ऐसा कंट्री है कि मैं मिनोरिटी में हूँ, लेकिन मुझको आवाम ने
बनाया भाई साहब, चुना प्राइम मिनिस्टर बनाया और 9 सालों के लिए मतलब 2 बार बने और वो कहते हैं कि भाई साहब 2 बार बने तो ये कोई एक मनोरटी के लिए भाई साहब कम बात नहीं। अगर कोई वो अच्छा मुल्क के लिए थे तो दूसरी बात एक अच्छा लीडर था तो भाई साहब सभी ने सपोर्ट किया, उसको 2 मर्तबा जिताया, वो 2 मर्तबा बने। अब हालांकि मोहतम साहब कई मर्तबा कांग्रेस पर उंगली उठा चुके हैं भाई उनके कार्यकाल में ना भाई भाई होते ना बात करते हैं, जब मनमोहन सिंह की हुकूमत आई थी उस वक्त इकॉनमी थी इंडिया की 700 बिलियन, जब वो छोड़ के गए उस वक्त 2 ट्रिलियन की इकॉनमी हो चुकी थी जी। अब मोदी साहब को मिली 2 ट्रिलियन की इकॉनमी चलती हुई 2 ट्रिलियन तरक्की करते एक ट्रैक पे लगा हुआ कंट्री मिला और 2 ट्रिलियन की इकॉनमी दूसरे मनमोहन सिंह में ने 700 से 2 ट्रिलियन की मतलब कितनी मनी 7 का डबल बढ़ा दिया, ट्रिपल 3 गुना कह सकते हो, 3 गुना कर दी वो 3 गुना कर दी। लेकिन मनमोहन मोदी साहब के दौर में तरक्की जरूर हुई हिंदुस्तान ने की है, लेकिन अगर बात तो वहां पर आ जाती ना कि इकोनॉमी कितनी बढ़ी, ग्रोथ कितनी हुई, ये तो मनमोहन ग्रोथ से पता लगता है, मेन चीज तो है भाई साहब आपकी ग्रोथ कितनी है। तो ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो मनमोहन के जितना उनसे 700 से 2000 तक गई है ना, उस हिसाब से अगर हिंदुस्तान की बढ़ती तो आज 6 ट्रिलियन की होनी थी जिस तरह से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब 2 से 6 होती। सही बात है, लेकिन जो कर रहे हैं वो कम तो नहीं कर रहे भाई, कर रहे लेकिन उस निस्बत से कम कर रहे हैं, वैसे उस हिसाब से प्रोजेक्ट भी कितने निकले भाई, उनका भी दौर बहुत मुश्किल था, मेरी बात उनका दौर भी बहुत मुश्किल था। एक डाउट क्लियर करता हूं, ये जो प्रोजेक्ट लेकर आते हैं ना इससे ग्रोथ और बढ़ती है, एक मर्तबा लगाने भी तो पड़ते हैं ना, ये भी तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है पैसा, तो आने वाले सालों में उसमें फायदा होता है वो आपको दिख जाएगा, तो जो इन्वेस्ट के हिसाब से उस ग्रोथ उस तो भाई साहब इन्वेस्टमेंट जब ये डेवलपमेंट पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है वो भी इकोनॉमी की ग्रोथ में शामिल होता है, वो खर्चों में शामिल नहीं होता। बिल्कुल मान लिया भाई साहब, उससे रोजगार देख कितना होता है उससे इकोनॉमी बढ़ने के लिए, तो वो भाई साहब इस तरह का भाई साहब डबल की बजाय वो उस हिसाब से नहीं अगले दिन, तो जो पीएम मोदी ने भाई साहब बोला था ना 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो जब 2019 का इलेक्शन था उस वक्त बोला था कि भाई इस दफा जब मैं बनूंगा तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करूंगा, अभी तक नहीं हुई, नहीं हुई 25 के अब के अगले दिन एक भाई बोल रहा था 25 तक बोला, अभी 2 साल रह गए, 2 साल रहते तो फिर अजीब बात है भाई, लेकिन उस हिसाब से करो कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन जितनी उनके दौर में वो अच्छे लीडरों की बदौलत ही कर रहा है ना, ये भी तो देखना, तो और भी ज्यादा ग्रो कर सकता है कंट्री में भाई साहब, दुनिया की सबसे ज्यादा यूथ हिंदुस्तान है, बिल्कुल उस वक्त के दौर में पढ़े लिखे और आज के दौर में पढ़े लिखे में कितना फर्क है, जमीन आसमान उसकी उस दौर की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में जो दिन वो जो घंटों में का होता दिनों में होता था वो आज घंटों में हो रहा है तो ग्रोथ तो और भी ज्यादा तेजी से होनी चाहिए, इस बात को मौसम नहीं ना समझता। तो बाकी भाई नो डाउट भाई ये मनमोहन सिंह भी बहुत बढ़िया लीडर थे और जितने भी बीजेपी के लीडरों में थे, अगर कहो ना कि भाई मुझे कौन सा पसंद लीडर था तो वो थे भाई साहब अटल बिहारी वाजपेयी, वो उनका नजरिया ही कोई अलग लेवल का था भाई, वो कंट्री से बहुत मुखलिस थे, उन्हें सत्ता इतनी प्यारी नहीं थी, उनकी जो एक बात है ना भाई साहब लागा रहती रहेगी जाती रहेगी, अच्छी बात है, अभी तो कांग्रेस भाई साहब टांगे खींचती है या दूसरी पार्टियां ना एक दूसरे की टांगे खींचती है कोई भी अगर सरकार फैसला लेती है, लेकिन वो ये बोलते थे कि भाई मैं रिस्पेक्ट करता कोई एक बिल ऐसा लेकर आ जाते हैं जो कंट्री के हक में, तो दूसरी अपोजिशन जो सपोर्ट करती थी उनका भी शुक्रिया अदा करते थे, अच्छे कामों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो अक्सर जो सियासतदान है बड़े कुत्ती चीज होती है भाई, ये नहीं चाहते कि इसका ये क्रेडिट तो दूसरी सरकार ना ले जाए, इसलिए वो ना टांगे खींचने में लगे रहते हैं। तो बाकी भाई साहब मोदी साहब का कार्यकाल में कंट्री ने तरक्की की, हालांकि कोरोना काल भी आया, बहुत सारी चीजें हुई, जंगे लगी यूक्रेन रशिया के बाद, लेकिन इंडिया ने तो उससे कमाई की, घाटा तो हुआ नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ी है पर पूरी दुनिया में, लेकिन इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो साफ जाहिर है कि वो ग्रोथ भी तो आती है ना,
बिल्कुल। तो ठीक है भाई, एक भाई और इसी वीडियो में बात थी जो मेन चीज जो है कि अक्सर जो है वो साधर, हम भी सोशल मीडिया देखते हैं कि डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है हिंदुस्तान में। तो जब वो बात हुई थी ना वो राहुल गांधी वाले कि ना अहल करार दे दिया है, तो कई अपोजिशन वाले लीडर जो हम भी इधर भी बोल रहे थे कि भाई डेमोक्रेसी का लॉस हो रहा है। साधर भाई हम जो खुद है वो एक ऐसे कंट्री में है जिसमें सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है। अब इलेक्शन जो हुआ ना, यकीन माने जितनी शुरुआत में खबरें आई ना रात 12 बजे तक वो तो खुशी की खबरें थी, वो पीटीआई जीत रही थी। अब पता नहीं मौसम में कब बदलती है, बदल गई है, अब बदल गई है, बदल गई है। हां जो रात को जीते बड़े लीड से वो अब हार गए। अच्छा हां, तो ये भाई 2-3 दिन में कंफर्म हो जाना है कि यहां पर भी डेमोक्रेसी है या फिर डिक्टेटरशिप भी लग रही है। कल रात, कल रात तो पता चल ही जाएगा भाई साहब। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के, और आई विश के भाई आपके कंट्री में डेमोक्रेसी रहे, तभी भाई सभी सारे लोगों को एक अपनी मर्जी का नेता चुनने का हक रहे। बिल्कुल जी, हम में तो भाई साहब अपनी कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर भी रह जाते हैं किसी और की चलती। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।